जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वाजिद और आप देख रहे हैं गब्रू 2.0। और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ, ये समझ लें मेरी ड्रीम कार थी। और ये इसका मतलब मॉडल है फरारी 599। और ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ दो हैं, एक रेड कलर की है कराची के अंदर और एक ये वाइट कलर की है ये लाहौर के अंदर है। और आज मैं आपको इसका मतलब वॉक अराउंड वगैरह दूंगा और जो थोड़ी मेजर इसकी डिटेल्स हैं वो बताऊंगा, बहुत क्योंकि ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा रेयर गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में, तो वैसे भी इसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। बताना तो लेट्स बिगिन द वीडियो। गाड़ी पूरी वाइब्रेट करती है, इतनी लाउड है ये। तो जी ये गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट लुक है, और यहाँ पे हमें जो हेडलाइट्स मिलती हैं ये बाईबीन एक्सियन HID प्रोजेक्शन लाइट्स हैं। इसके ऊपर हमें साइड इंडिकेटर मिलता है, और उसके बाद इसकी नीचे वाली साइड पे आएँ तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और क्रोम की बड़ी खूबसूरत एक ह्यूज ग्रिल मिलती है। इस पर फरारी का मोनोग्राम है, ऊपर भी एक फरारी का मोनोग्राम मिलता है बोनेट पे। उसके बाद यहाँ पे बम्पर के ऊपर टोइंग हुक है, पार्किंग सेंसर है। उसके बाद ये इसकी एयर इनटेक ग्रिल्स बनी हुई हैं, फॉग लैम्प्स यहाँ पे नहीं होते कोई भी। ओए इसका रिम चेक करें, ये 20 इंच का अलॉय व्हील है और इसके ऊपर भी फरारी का जो उनका लोगो जो उनका एम्बोज हुआ है। और उसके बाद इसकी जो ये डिस्क ब्रेक्स की बात करें, एक कास्ट आयरन ब्रेक्स भी आई थी, पर इस फरारी के इस मॉडल के अंदर ये कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स हैं। और जिस टाइम ये टेक्नोलॉजी आई थी उस टाइम ये एक समझ लें ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी थी, और मोस्टली उस टाइम की जो गाड़ियाँ थी उसमें मतलब ये इस तरह की सिरेमिक ब्रेक्स नहीं आती थी। इसके आप टायर की प्रोफाइल देखें कितनी लो है, और ये हमारी पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर आप इमेजिन करें। एंड देर इज़ ऑल्सो फरारी SF लोगो इसके ऊपर बना हुआ है। और इसके बाद ये बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा साइड इंडिकेटर है, और यहाँ पे एक एयर डक्ट मिलती है हमें, और जो कि बड़ी एक स्टाइलिश किस्म की है, गाड़ी को बड़ी अच्छी लुक दे रही है। यहाँ पे जितने भी डक्ट्स और कर्व्स हैं ना, ये सारे इसकी एरोडायनामिक्स के हिसाब से बनाए गए हैं, उसका कोई पर्पस है। ये जो डक्ट आप देख रहे हैं ये गाड़ी की जो कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स हैं उनको ठंडा रखने के लिए भी काम आती है। उसके बाद जो साइड मिरर है ना, ये ऑटो डायरेक्टेबल नहीं है, ये हीटेड है और ऑटो डिम वाला फंक्शन है इसके अंदर। और उसके बाद आप इसकी बैक साइड पर आ जाएँ तो इसकी टेल लाइट है ना, मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है। ये जो ऊपर वाला सर्कल है ना रेड, ये इसकी ब्रेक लाइट है, दरमियान में इसका साइड इंडिकेटर है, और जो सबसे दरमियान में वो इसका रिवर्स है।
और ये इसके देखें एक और बहुत हुआ फरारी का लोगो है, और उसके बाद ये ऊपर भी आपको फरारी की बैजिंग मिलती है। उसके बाद इसके साइड पे आए तो यहाँ पे बम्पर्स हैं, इसके ऊपर भी पार्किंग सेंसर हैं। ये इसका एक बड़ा यूनिक फीचर है, इसके बम्पर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी इसके जो सा ना ब्रेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एरोडायनेमिक्स का बम्पर बनाया गया, और जो कि डाउन फोर्स जनरेट करता है। और मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके जो आपको इस साइड पे सी पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये लाइक स्पॉयलर के जैसे काम करते हैं। जब यहाँ से हवा अंदर जाती है तो इसके जो पीछे वाले फेंडर हैं उसके ऊपर डाउन फोर्स जनरेट होती है, लाइक 300 किलोमीटर के हिसाब से जब आप जा रहे हैं तो 160 kg डाउन फोर्स जनरेट करता है, जिससे इसकी ब्रेकिंग को इम्प्रूव किया गया था और इसकी जो रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी को इन्होंने इन्हेंस किया गया था इस एरोडायनेमिक्स इसके जो कर्व बनाए गए हैं ये। अच्छा जी, इसकी ये जो फ्रंट बोनट है ना, ये काफ़ी ह्यूज साइज़ का है, बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर दो डक्ट्स हैं इसके इंजन को ठंडा रखने के लिए। और उसके बाद जो इसके अंदर इंजन है ना, ये फरारी एंजो के अंदर भी ये इसके सिमिलर इंजन आता है, पर वो रेयर व्हील ड्राइव है, ये फ्रंट मिड इंजन कार है। तो जो इसके इंजीनियर्स थे उनको जो इसका फरारी एंजो वाला इंजन है ना इसके अंदर फिट करने के लिए उसको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी थी, ताकि क्योंकि पीछे जब जो इंजन होता है उसकी हाइट का कोई इशू नहीं होता, तो इसके अंदर जब फ्रंट पे इन्होंने फिट करना था तो इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया गया। ये इसका मैं बोनट खोल के दिखाता हूँ, ये इसकी हुक है, यहाँ से इसको आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर फरारी का एक लोगो है, और ये इसका चेसिस नंबर है, और जो इसकी चेसिस है ना ये एलुमिनियम की बनी हुई है सारी। जिस टाइम ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस टाइम एलुमिनियम की चेसिस वगैरह गाड़ियों में इतनी कॉमन नहीं थी, और ये उस टाइम की अर्थ ब्रेकिंग समझ ले एक चीज़ थी कि जिसकी सारी जो चेसिस हैं, एक तो उससे वेट रिडक्शन होनी थी, उसके बाद उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ती है। 599 GTB 5999 CC है, इस वजह से इसको 599 कहते हैं। GTB होती है ग्रैंड टूरिस्मो बर्नलेटा, ये इटालियन कोई वर्ड है, मुझे नहीं पता इसको सही प्रोनाउंस किया मैंने कि नहीं। तो ये हमारा फाइनली V12 6.0 लीटर इंजन, जो कि 612 HP प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद 612 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और ये सारा ही हैंड मेड है। सारा टोटल जितना इंजन है ये भाई जो भी चीज़ें इसमें गाड़ी में लगी हैं सारी हैंड मेड है, ये सारा इंजन हाथ से बनाया गया है। वो देखें आप, थोड़ा सा इंजन इतना बड़ा है साइज़ का है, और वो थोड़ा सा डैशबोर्ड के नीचे है, मिड में आता है इसका। जो इसको डिज़ाइन किया गया इस तरह किया गया ताकि गाड़ी की जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो सकते हो, गाड़ी की स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क ना आए। और जो गाड़ी का ये देखें इंजन है, इसकी मॉडिफिकेशन करके इसको थोड़ी सी हाइट इसकी नीचे की गई है, एनजो के अंदर रेयर पर था। मोस्टली जो गाड़ियाँ हैं जो स्पोर्ट्स इस तरह की सुपर कार्स होती हैं उनके जो इंजन होते हैं वो रेयर पे होते हैं, उसकी ट्रांसमिशन फ्रंट पे होती है, पर इस गाड़ी के अंदर इसका इंजन मिड में है और इसकी ट्रांसमिशन बैक साइड के ऊपर है। और ऑफिशियली जो इसके परफॉर्मेंस फिगर्स हैं ये 3.5 सेकंड के अंदर 0 to 100 जाती है। और ये देखें इसके जो बोनट है इसके ऊपर जो डक्ट्स मैं आपको बता रहा था ये बने हुए हैं, ताकि इसके जो इंजन को ठंडा रखा जा सके, और इसके इंजन को जो भी एयर रिक्वायर्ड है वो यहाँ से मिलती है इसको। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इंटीरियर के अंदर चलते हैं, तो ये इसका डोर ओपनर है, इसके ऊपर आपको फ्रेमलेस इसका जो सा मिरर मिलता है,
उसके बाद गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठते हैं आप, तो यहाँ पे आपको सारा लेदर स्टिचिंग मिलती है बड़ी खूबसूरत रेड कलर की। ये सारा हैंडमेड लेदर स्टिचिंग हुई है सारी, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी हैंड स्टिचड है। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक गाड़ी लॉक हो जाती है। ये इसका एयर बैग का एक लोगो लगा हुआ है। और उसके बाद ये इसका डोर ओपनर है, यहाँ पे दो विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे इसकी ये एसी की विंड दी गई है ताकि यहाँ पे फोग वगैरह ना आए। ये इसके सारे पिलर्स के ऊपर भी सारा आप देखें ब्लैक कलर का हैंड स्टिच लेदर हुआ हुआ है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और ये सारा सॉफ्ट मटेरियल के अंदर है। ये इसका स्टेयरिंग है जी, और यहाँ पर इसके हॉर्न के बटन है ये, और ये इसका जो स्टेयरिंग का यहाँ पे भी एक लोगो मिल जाता है। यहाँ पे इसके ये जो बटन है ना, ये बड़ा स्पेशल बटन है, इससे गाड़ी का जो मोड है बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसमें स्पोर्ट्स मोड है जी, ये ट्रैक्शन के लिए है, ये स्नो के लिए है, ये रेस मोड है। बेसिकली जो फरारी के अंदर जो सस्पेंशन आते हैं ना, वो फरारी ने जब 599 लॉन्च हुई थी तो पहली बार ये पॉसिबल था कि गाड़ी के जो जो शॉक्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लूड जो लिक्विड होता है उसके आप विकॉसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बटन है इसको जैसे ही आप जिस तरफ करते हैं तो ये गाड़ी को, जैसे रेस मोड पे करेंगे तो ये गाड़ी के जो शॉक्स ऑब्जर्वर हैं उसके अंदर जो ऑयल है उसको, उसकी विकॉसिटी को चेंज करेगा ताकि वो उस तरह रिएक्ट करे और गाड़ी का टोटल बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये पहली बार फरारी ने जो इसके सस्पेंशन सिस्टम दिए थे ना, ये पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और उस टाइम के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर था। यहाँ पर परफोरेटेड लेदर है, ये सारा हैंड स्टिच यहाँ पे भी लेदर लगा हुआ है और स्टिचिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक एयर बैग का लोगो है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ, इसके विंडो के कंट्रोल हैं और यहाँ पर एक आपको बैज मिल जाएगा, इसकी मैं तस्वीर लगा दूंगा, फरारी F1 वर्ल्ड चैम्पियन 2007। ये इसके जो साइड मिरर्स हैं उसको एडजस्ट करने के लिए उसका बटन है। और ये गाड़ी की जी की है, इस पर लॉक अनलॉक और ट्रंक का बटन है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की की है। ये भी सारा लेदर का, मतलब इसका कीचेन बना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा। और उसके बाद यहाँ पे इसके जो उनसे ये वाइपर्स के कंट्रोल हैं ऑटोमेटिक करने के लिए, ये इसके साइड इंडिकेटर वगैरह हैं, ये इसके पैडल शिफ्टर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सेंट्रल कंसोल के अंदर आ जाएँ तो यहाँ पे आपको ये सारा कार्बन फाइबर लगा हुआ मिलता है। इसमें कंसोल बॉक्स वैसे कोई नहीं होता, ये मैनुअल एक हैंड ब्रेक होती है। ये इसके एसी के कंट्रोल हैं, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल होता है इसमें, ये भी सारा आपको कार्बन फाइबर मिलता है। इसके ऊपर सारा हैंड स्टिच लेदर का दोबारा से आपको ब्लैक और कार्बन फाइबर और रेड का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये इसके एसी की विंड्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसमें बोस का साउंड सिस्टम आता है और ये सारा जो सा है रेड कलर का लेदर, नीचे कारपेट भी इसके साथ मैचिंग वाला है। अच्छा जी, दरमियान में इसका जो ये बटन लगे हुए हैं ना, इससे ये सेंट्रल लॉकिंग के बटन है, इससे गाड़ी लॉक और इससे अनलॉक होती है। और ये जो सेंट्रल कंसोल है ना, इसको खोलने के लिए या ये जो ओपन का बटन है इसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए खुल जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर भी ये सारा जो सा ना ये सारा फैब्रिक लगा हुआ है और ये फरारी की बुक पड़ी हुई है इसके अंदर, इसमें इसका ओनर्स मैनुअल है सारा, ये सारा कुछ इसकी जो डिटेल्स वगैरह, काफ़ी मोटी बुक है। और इसको हम रख देते हैं वापस, उसके बाद ये बड़े सॉफ्ट तरीके से बंद हो जाता है। इसके भी सारा यहाँ पे जो सा ना लेदर स्टिचिंग हुई है बड़ी ज़बरदस्त। यहाँ पे जो इसका ओनर था, ये बेसिकली जिस अली साहब की गाड़ी थी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता, खैर 599 GT भी इसके नीचे अली लिखा हुआ है, आप समझदार ही हैं, आपको पता ही होगा किसकी है। तो ये यहाँ पे भी सारा जो सा लेदर स्टिचिंग हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ये जो तीन बटन है ना, ये रिवर्स का बटन, ये ऑटो में डालते हैं तो ये मैनुअल पैडल शिफ्टर आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक चलती है। हैजर्ड का बटन है और ये पार्किंग सेंसर ऑफ करने के लिए, और ये सारा मेटल के अंदर F1 का एक यहाँ पे ये सारी प्लेट लगी हुई है, सिग्नल लाइटर वगैरह इसके अंदर। और उसके बाद ये इसका ऑडियो यूनिट है, यहाँ पे फरारी का एक एम्बोज हुआ हुआ मोनोग्राम है। और उसके बाद मैं आपको ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये इसकी चाबी को लगाना पड़ता है ऐसे, ये लगाया है और ये इसके ऊपर इंजन स्टार्ट का बटन है, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो ये आपके सामने ऑन होगी। अब ये देखें कितनी लाउड है ये इसकी आवाज़, ये इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है इसके अंदर सुनाता है, मैं आपको ये इसकी साउंड चेक कराता हूँ, ये देखिएगा, मतलब गाड़ी पूरी वाइब्रेट करती है, इतनी लाउड है ये। और ये जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको इसके ये सन वाइजर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको इसकी लाइट्स के बटन मिल जाते हैं। और उसके बाद ये इसका जो टायर प्रेशर, जब आप इसकी टायर की हवा कम हो जाती है उसको मतलब रीसेट करने के लिए बटन है जब वो पूरी हो जाए। ये इसका वैक्यूम मिरर है विद ऑटो डिमिंग। और उसके बाद ये जैसे मैं इसको ये रेस पे करता हूँ तो वो रेड हो गया सारा वहाँ पे। उसके बाद ये स्पोर्ट्स पे किया है तो उस पर स्पोर्ट्स लिखा हुआ आ गया, ये ट्रैक्शन पे किया है तो ट्रैक्शन पे आ गया,
ये मड स्नो मोड के ऊपर चला गया और CBT पता नहीं क्या ये ठीक है कुछ है ये इसका मुझे नहीं पता भाई, ये स्पोर्ट्स पे वापस कर देते हैं। अच्छा, इसकी जो लेदर जो सीट्स है ना वो सारी ये परफोरेटेड लेदर के अंदर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट और बकेट सीट्स हैं ये, और ये सारा इसके पीछे भी कार्बन फाइबर आपको लगा हुआ मिलता है। ये इसकी जो बैक साइड है इसके ऊपर कोई सीट वगैरह नहीं है, पर इसके ऊपर बस आप चीज़ चीज़ें रख सकते हैं अपनी, उसके बाद स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। ये फरारी का लोगो है जो आपको दरवाज़ा खोलते ही एक वेलकम फील देता है। उसके बाद जी ये सारा कार्बन फाइबर है, पाकिस्तान में तो लोग वो टेपे वेपे लगा के करते हैं, ये ओरिजिनल सारा कार्बन फाइबर है। इसका एक तो पर्पज़ ये है कि ये लाइट वेट होता है, और ये सारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक सीट है, इसकी आप सारी एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। ये आपको आवाज़ आ रही है देख रहे हैं, ये नीचे जा रही है सीट, ये ऊपर जा रही है, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बकेट सीट्स हैं इसके अंदर, बड़ा खूबसूरत लेदर के अंदर यहाँ पे ये फरारी का आपको नज़र आ रहा है, तो ये बहुत हुआ है फरारी। अच्छा जी, अब इसको ड्राइव करके देखा जाए तो आपके सामने आया गाड़ी की मतलब आगे सिर्फ विजिबिलिटी के अंदर आपको इसका बोनट नज़र आता है जो कि काफ़ी यूज साइज़ का है, लेकिन आपको आगे पता नहीं चलता कि कितना है क्योंकि आगे जाके थोड़ा डाउन हो जाता है। अच्छा, बाकी जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर 0-100 ड्राइव करके दिखाया आपको, मैं इस गाड़ी को अनफॉर्चुनेटली आपको 0-100 ड्राइव करके नहीं दिखा पाया क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इधर के रोड्स बहुत ज़्यादा नैरो थे और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा डाउन थी। अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जहाँ से हमारी आम लोकल गाड़ियाँ आराम से गुजर जाती हैं, चाहे वो सिविक है कोई भी, पर ये गाड़ी इतनी ज़्यादा डाउन थी कि ये देखें, ये बिल्कुल सही स्पीड ब्रेकर है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे हाइट का था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर से भी गाड़ी मुझे किस तरह गुजारनी पड़ रही थी। इस वजह से मैं आपको 0-100 नहीं दिखा सका, बल्कि इस दफ़ा कुछ डिफरेंट करते हैं। इस बार मैं मतलब 0-100 नहीं जाऊंगा, 100 से 200 तक जाऊंगा, क्योंकि इसके जो रियर व्हील है ना वो बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहे थे, तो उसकी मुझे ट्रैक्शन का आइडिया नहीं था, इस वजह से मैंने इस तरह का कोई रिस्क नहीं लिया। क्योंकि इसके जो ऑफिशियल फिगर्स हैं 3.5 सेकंड में 0-100 जाती है, तो इसका फर्स्ट गियर जो है वो तकरीबन 80-90 तक जाता है, उसके बाद सेकंड गियर के अंदर जो 100 अबव चली जाती है। तो ये देखिएगा, अभी यहाँ पे एक और स्पीड ब्रेकर आएगा तो उसके ऊपर से भी मुझे बड़े आराम से गुजारनी पड़ेगी। ये मैं आपको बैक व्यू भी इसका दिखा देता हूँ। बाकी जो इसके अंदर ट्रांसमिशन आती है वो फरारी की सुपर फास्ट F1 सुपर फास्ट ट्रांसमिशन आती है, 6 स्पीड ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन पैडल शिफ्टर्स के साथ।
अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर जो 599 बनी थी उनमें से सिर्फ 30 गाड़ियाँ ऐसी थी जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आई थी, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कार्स थी वो इसी ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन के साथ आई थी। वो जो 30 गाड़ियाँ थी उनमें से 20 यूनाइटेड स्टेट के लिए और बाकी जो 10 थी वो पूरे यूरोप के लिए पूरे यूरोप में भेजी। मैं आपको रिंग रोड पर पहुँच के दिखाता हूँ कि ये 100 to 200 के अंदर कितनी देर में जाती है, आप उससे आइडिया कर लें 0 to 100 कितनी देर में जाती होगी। इसको थोड़ा सा एक्सीलेटर देते थे तो इसके टायर स्पिन करते थे, इस वजह से मैंने इसका 0 to 100 ट्राई नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।